पहाड़ों से हमारी पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ सकते हैं, हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसे संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, इसकी प्रेरणा हमारे आदिवासी भाई बहन हमें लगातार देते रहते हैं। और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है। साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वन धन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं, उसमें भी हमारी माताएं बहनें हैं। इसका भी बड़ा लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है।